ये दोनों जमीन बेचते थे मक्खन सिंह को, ये जानते थे रविंदर सिंह मक्खन सिंह का रिश्तेदार है। किसके पास जाने के बाद डील होगी, सौदा हो गया इनका, जमीन होने की वजह से इकट्ठे ही खेती कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भाई बेच रहा था एक नहीं बेच रहा था। इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी, पैसे लेते रहे, इनके मन में पेई मनी थी। हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह मोहली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज का जो टॉपिक है स्पेशल है, स्पेशल इसलिए है कि खरीदार किस तरीके से धोखे का शिकार हो जाते हैं। मुश्तरी होशियारबाज, बार बार मैं कहता हूँ मुश्तरी होशियारबाज का मतलब है खरीदार को खबरदार रहना चाहिए। अब इसमें मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ आपको जो बिल्कुल घटित हुई हुई है। रविंदर नाम का लड़का एक शाहबाद मारकंडा से, उसने अपने किसी रिश्तेदार जिसका नाम मक्खन सिंह था उसको प्रॉपर्टी के लिए बोला, और मक्खन सिंह ने इनको, यहां पर दो भाई थे कश्मीर सिंह और बलबीर सिंह, और बलबीर सिंह दोनों की जमीन, ये दोनों जमीन बेचते थे मक्खन सिंह को, ये जानते थे रविंदर सिंह मक्खन सिंह का रिश्तेदार है, तो वो इनके पास ले गया। इसके पास जाने के बाद डील होगी, सौदा हो गया इनका। दोनों भाइयों की जमीन साझा जमीन थी, साझा जमीन होने की वजह से इकट्ठे ही खेती कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भाई बेच रहा था एक नहीं बेच रहा था। तो बात आई तकसीम करने की, के डिवाइड कर लेंगे जमीन को, जो थी बेचनी है नहीं बेचनी। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट के बाद उसको उन्होंने कहा और हमें पैसे चाहिए, उसको और पैसे दे दिए, पहले 25% अमाउंट दी, फिर और पेमेंट दी, 64 लाख का सौदा था। तो अंत में करते करते इनके पास 55 लाख चला गया इस पार्टी के पास, ये सेलर है, सेलर के पास 55 लाख चला गया। तो 64 लाख की डील थी, सिर्फ 9 लाख रुपए रह गए, तो 9 लाख रुपए रह गए। ये रोज इनको कहे कि जीटी करो दो हमारी, ये रोज आना गानी करते रहे, और ये फिर कहे भी हमें कब्जा दे दो, कब्जा भी नहीं दिया। मैं इसमें जो आपसे कहना चाहता हूं, जब रविंदर सिंह ने 64 लाख की पेमेंट दी थी, 55 लाख दे दी, तो इसने उसको रजिस्ट्री करने के लिए क्यों नहीं कहा? इन्होंने रजिस्ट्री नहीं करी, पैसे लेते रहे, इनके मन में पेई मनी थी। फिर मेरे को लेके गए, जब मैं उनसे बात करी तो मैंने करा के इन बंदों से पावर ऑफ अटॉर्नी जो है जीपी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसके नाम पे करवा दी लड़के के नाम, रविंदर के नाम। तो पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, रजिस्ट्री करवानी थी, रजिस्ट्री कर लिया। उन्होंने टाइम दे दिया कि हमारा आपस में तकसीम का थोड़ा विवाद चल रहा दोनों भाइयों में, कि हमारी तकसीम हो जाएगी तो फिर हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे। तो बड़ी मुश्किल से उनके कागज पत्र तैयार करे, तो कागज पत्र तैयार करे, साइन ना करे, साइन तो कर दिए, फिर बाद में साइन कर दिया। साइन करने के बाद 5-7 दिन के बाद उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी कैंसिल कर दी। रविंदर सिंह इतनी मतलब मूर्खता की इस बंदे ने, रविंदर सिंह ने पैसे तो 55 लाख दिए पहले, फिर 9 लाख और देकर 64 लाख रुपए दे दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, और ये कह के उस इस पार्टी ने दोनों ने कि इसमें गेहूं खड़ी है, गेहूं कट देगी तो हम आपको कब्जा दे देंगे। तो वो कभी भी उनको कब्जा नहीं दिया। और बड़ी जो शॉकिंग बात यह है कि जो उन्होंने पावर अटॉर्नी करी थी वो पावर अटॉर्नी भी कैंसिल कर दी। पावर अटॉर्नी कैंसिल करने के बाद इसके बदले कुछ नहीं बंदे रहा, तो इसने फिर कोर्ट केस किया। पहले तो 64 लाख उनको चले गए, जमीन नहीं मिली, जमीन के बाद फिर कोर्ट केस करा, कोर्ट केस भी, कोर्ट फीस है वो लगाई 2-3 लाख रुपए, कितनी लगनी थी वो लगाई, फिर किसी वकील को पैसे दिए होंगे, कुछ और करना करा होगा। लेकिन अभी तक ये 5-6 साल पुरानी बात है, अभी तक उस लड़के को जमीन नहीं मिली। आप लोगों से मैं यही बेनती करना चाहता हूँ, आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप या बड़े भाई समझ के मेरी एडवाइस मान लो कि जब भी आप पेमेंट बंदे को करते हो, सेलर को पेमेंट करते हो, तो उसमें आपने अपने आप की सेफ्टी जरूर देखनी पहले। यदि आप अपनी सेफ्टी नहीं देखोगे तो आपके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये जितना मर्जी कहते रहे इमोशनल डिसीजन हो गया, कहते जी इनसे पूछा मैंने भी तुमने इतना पैसे क्यों दिया, कहते जी बार बार वो कहते थे हमें पैसे चाहिए पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए पैसे दे दो, कहते हम पैसे देते रहे। तो ये तो इनको इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसे दे गए कि हमें जरूरत है जी, जरूरत की वजह से हमने जमीन बेची है। लेकिन जब 25% से ज्यादा पेमेंट बंदे के पास जाती है, मैं हमेशा कहता हूं कि उसकी अमाउंट की आप अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करो, कब्जा ले लो मौके पे, ताकि आपके साथ कोई गड़बड़ ना हो।
इसने दोनों काम गलत कर दिए लड़के ने। एक तो इसने 64 लाख रुपए इकट्ठा दे दिया उसको, सारा पूरा कर दिया उसका पैसा। दूसरे नंबर पर कब्जा भी नहीं लिया, रजिस्ट्री भी नहीं करवाई। एक काम हो जाता, रजिस्ट्री इसके नाम पे हो जाती तो पेमेंट चली जाती, कोई बात नहीं, कब्जा बाद में ले लेते। वैसे तो कब्जा पहले लेना चाहिए, या इसके पास कब्जा ही होता कम से कम, ये अपनी फसल तो बीजता। अब ये फसल भी यही लोग बीज रहे अपनी, पेमेंट भी लेके बैठ गए और फसल भी यही खा रहे। सो ऐसी ठगी ठोरी आपके साथ ना हो, इसलिए मैं मुश्तरी होशियारबाज जो खरीदार खबरदार होने का बार बार कहता हूं, उसका मतलब यही है कि आपके साथ धोखा होने के चांसेस होते हैं। चांसेस ना होने पाए आप इसके लिए सतर्क रहें। जब आप सतर्क रहोगे तभी आप धोखे से बचोगे। सीखते जाएं, पढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। मैं राजवंशी मौर्य आपके साथ बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू।